गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th आरबीएससी बोर्ड बुक 2 पनोरमा से सेकंड लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय कुशवंत सिंह। अबाउट द राइटर, कुशवंत सिंह इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया। कुशवंत सिंह इंडिया के एक सेलिब्रेटेड ऑथर्स लेखक हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइटर ही हैज़ बीन अ लॉयर। ये एक वकील भी थे, लेखक भी थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी थे एंड द एडिटर ऑफ इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। और ये इसके एडिटर भी थे इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के। टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवल आर ट्रेन टू पाकिस्तान। उनके दो फेमस नॉवल हैं ट्रेन टू पाकिस्तान, जो उन्होंने 1956 में लिखा, एंड आई शेल नॉट हियर द नाइटेंगल। और आई शेल नॉट हियर द नाइटेंगल उन्होंने 1961 में लिखा। अबाउट द लेसन, माई ग्रांड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रांड मदर। दादी माँ, मेरी दादी माँ भी सभी की दादी माँ की तरह थी। वॉज एन ओल्ड वुमन, जो कि एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड, वो ओल्ड थी एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। और उनके चेहरे पर रिंकल्स झुर्रियाँ थी 20 सालों से। देट आई हैड नॉन हर, क्योंकि 20 सालों से मैं उन्हें जानता हूँ, 20 सालों से पहले वो कैसी थी ये तो मैंने देखा ही नहीं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी। लोग कहते हैं कि जब वो यंग थी बहुत सुंदर हुआ करती थी। एंड आई हैड इवन अ हस्बैंड, और उनके एक पति भी था। बट देट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये मेरे लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो मैंने उन्हें यंग देखा है ना मैंने उनके पति को देखा है। माई ग्रांड फादर पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम। हमारे जो ड्रॉइंग रूम है उसके मेंटल पीस पे एक मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट चित्र लगा हुआ है, छाया चित्र फोटो। ही वोर अ बिग टर्बन, जिसमें उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है, एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। ही इज़ लॉन्ग वाइट ब्रेड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनकी इतनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है जो उनके आधे सीने तक आ रही है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो कम से कम 100 वर्ष पुराने लगते हैं, मतलब वो 100 वर्ष के लगते हैं, जैसे उनकी उम्र 100 वर्ष हो। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो ऐसे लगते ही नहीं कि जिनके कोई वाइफ रही होगी या चिल्ड्रन रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसा लगता है कि उनके तो बहुत सारे पोते पोतियाँ ही रहे होंगे। एज फॉर माई ग्रांड मदर, जहाँ तक मेरी दादी की बात है, बींग यंग एंड प्रिटी, कि वो यंग भी थी और प्रिटी भी थी, आई थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये चीज़ मुझे बहुत रिवोल्ट करती, इस पर विश्वास नहीं होता। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो कभी कभी हमें बताती है अपने बचपन की कहानी, कि जब वो बच्ची थी, छोटी थी, तब वो कैसे खेल खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड, जो मुझे क्वाइट एब्जर्ड लगता है, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, जो कि मुझे उसके ऊपर कि ऐसा भी हो सकता है इस पर विश्वास नहीं होता। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, और ये हमें परियों की कहानी जैसी लगती है, जिस पर कोई विश्वास नहीं करता, जिसका कोई धरातल नहीं होता, जो केवल कल्पनाओं में होती है। ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेलर्स, जैसी कि परियों की कहानी वो सुनाती है, वैसी ही उसकी बातें हमें उनकी जवानी की, उनके बचपन की लगती हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमेशा ही छोटी कद की रही होंगी, मोटी रही होंगी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा सा झुकी हुई उनकी कमर रही होगी, ऐसी ही शायद वो रही होंगी हमेशा से। हर फेस, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा ही देखा है, हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस रिंकल्स, और उसके चेहरे पर बहुत सारे रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरी वेयर टू एवरी वेयर, झुर्रियाँ होंगी पूरे चेहरे पर। नो वन वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज शी हैड नॉन हर, कोई नो वी वर सर्टेन, हम कोई सर्टेन नहीं है। शी हैड ऑलवेज बीन वी हैड नोन हर, हमने उसे ऐसा ही देखा है। ओल्ड सो टेरिबल ओल्ड, बूढ़ी, और वो भी इतनी बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि भाई वो कभी बड़ी हुई हैं,
एंड शी हैड स्टेड एट द सेम एज। ऐसा लगता है कि 20 वर्षों से वो वहीं उसी एज को जी रही हैं जहाँ पे उनका ठहरा हो गया है। 420 years, ना तो उससे बूढ़ी हो रही है, वैसी की वैसी दिख रही है 20 सालों से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। और ऐसा लगता है कि वो कभी सुंदर तो रही नहीं होंगी, जवान रही हो नहीं होंगी, जब उनके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं रही हों, ऐसा रहा ही नहीं होगा, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन में ऐसी कल्पना होती नहीं है। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए हमेशा सुंदर थी। ही होप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट साड़ी, और वो बिल्कुल एक स्वच्छ सफ़ेद साड़ी पहनती थी जिसपे कहीं कोई दाग धब्बा तो क्या लगे। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हाथ हमेशा उनका अपनी कमर पे रहता था टू बैलेंस, अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रॉजरी। हर सिल्वर लुक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकलर्ड फेस, और जो उनके बाल थे बिल्कुल चांदी की तरह सफ़ेद थे, और वो हमेशा अनटाइडी बंधे हुए नहीं रहते थे, खुले रहते थे। उनका चेहरा पीला पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव, और उनके होंठ कभी भी स्थिर नहीं रहते थे, हमेशा वो चलते रहते थे, बोलते रहते थे अनऑडिबल प्रेयर, जिससे ऐसी प्रार्थना हमेशा बोलते रहते थे उनके होंठ, जो कोई सुन तो नहीं सके लेकिन वो मन ही मन में प्रार्थना हमेशा करती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, लेकिन हाँ फिर भी वो मेरे लिए उतनी ही सुंदर थी। शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप, वो एक विंटर लैंडस्केप की तरह थी, जैसे कि धरती पर बर्फ छा जाती है पूरी सफ़ेद हो जाती है, उसी तरह उनकी सफ़ेद काया थी, बाल सफ़ेद, साड़ी सफ़ेद। माउंटेंस जो बर्फ छाती है तो पर्वतों पर, एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनरी, और पूरे परिदृश्य में वाइट सीनरी की तरह बर्फ छा जाती है जब बर्फबारी होती है। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और यही उनकी बस वो सांस लेती थी, यही उनकी चलायमान को बताता था, अर्थ वो बहुत शांत प्रवृत्ति की महिला थी। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन से नेक्स्ट पैराग्राफ्स। थैंक्स।